कुलदीप जी, गुरु जी हम फिजिक्स के लेक्चरर हैं, मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ। योगी वो ही देखे ना जी ना भाई कामयाब होना भाई बच्चे, मान ले कहीं जने पूछा मैंने तुम्हें, मैं तो 18 घंटे पढ़ूँ या 15 घंटे पढ़ूँ भाई, या अपने जो टिकटॉक है या और कुछ सोशल मीडिया है तो उस पर लटके रहें जी सर जाना, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे भाई? ये जरूरी क्वेश्चन है, और जो अपने माँ बाप है तो उनको इस चीज़ से, उनमें इंग्लिश मीडियम है टोटली, सब कुछ बच्चा जो है ना इंग्लिश में सीखने की कोशिश करता है, और अपनी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट वो एजुकेशन की बजाय केवल इंग्लिश सीखने पर लगा देता है। सब ना शिक्षा कैसी चाहिए प्राइवेट, अस्पताल कैसी चाहिए प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट चाहिए, अर्बन डा चाहिए सरकारी। तो ये है, तो जीवन में अगर हम 12वीं के बाद एक बच्चा है और वो ये ठान लेंगे मैंने तो करना ही करना नहीं, लेकिन वो उतर के देखे तालाब में उतर के देखेगा तो उसको गहराई का पता चलेगा है कि प्लस टू के तुरंत बाद कोचिंग की तरफ जाने की बजाय ग्रेजुएशन करो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की अपने बैच में 2011 में। राम राम सभी भाई ना मेरी एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ भाई। मैं आज गांव किवाणा में हूँ जो कि संभाल का जिला पानीपत में पड़ता है, और हमारे साथ ये एक कह दो कि सामाजिक कार्यकर्ता और एक महान हस्ती जो हरियाणा की कह दो में, तो हमारे साथ ये जुड़े हैं, तो राम राम जी। राम राम जी सभी को। राम राम जी भाई, देखो इनका मतलब समाज में बहुत ही बड़ा योगदान है क्योंकि ये समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये हमारे साथ नाम बताइए जी अपना। मेरा नाम जसवीर सिंह है। हाँ मेरा नाम कुलदीप सिंह है। बिल्कुल जी, तो इन्होंने मतलब गांव में लाइब्रेरी भी बना रखी और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने इनकी वीडियो देखी थी। एक्चुअली रियलिटी में तो हम जो है हमारा मुख्य कार्य एजुकेशन का है, और मैं टीचर हूँ, हमारे कुलदीप जी गुरु जी हम फिजिक्स के लेक्चरर हैं, मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ। गाँव ना मुंडा में हमारी पोस्टिंग है, नियर बाई गाँव है 2 किलोमीटर दूर, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, एजुकेशन का काम है मिलने हमारा। और आप जी? हाँ मेरा नाम कुलदीप सिंह है, हम भी मैं विज्ञान प्राध्यापक के तौर पर काम करता हूँ, फिजिक्स लेक्चरर हूँ। वैसे साइंस की लर्निंग का काम हम करते हैं, सीखते भी हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और साइंस कैसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखी जा सकती है इस पर थोड़ा सा काम करते हैं कि खेल खेल में विज्ञान को किस प्रकार से सीखा जाए, ये मेरा मुख्य काम है। जसवीर के बहुत ज़्यादा काम है मेरे से, अभी अच्छा वक्ता है, मैं इतना बढ़िया वक्ता नहीं हूँ। मैं टीचिंग में जो है कैसे बच्चे लर्न करें इजी वे में, इस पे हम थोड़ा जोर रखते हैं कि कैसे कैसे वो काम करें विज्ञान को सीखने का, या उस विज्ञान को का सामाजिक सरोकार क्या होगा इस पर भी हम काम करते हैं कि वो विज्ञान समाज में कैसे लेके आ जाए। कुछ एक्टिविटीज़ हम स्कूलों में भी कराते हैं, जा जाके हमारा ग्रुप है पूरा जो है, और हम गांव में लाइब्रेरी जो है चलाते हैं, सभी सामूहिक लाइब्रेरी है, उसमें हमारी टीम है, एक बड़ी टीम है, कम से कम भी 10-12 लोगों की, 15 लोगों की, शिक्षित लोगों की टीम है, उसमें कुछ इंजीनियर्स भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सरकारी अध्यापक भी हैं, तो वो सभी मिलकर जो है बच्चों को इकट्ठा करके और उनको किस प्रकार से एक दिशा दें और साथ में मिलकर उनके काम करें। वहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं होता है कि औपचारिक रूप से कोई एक अध्यापक और एक विद्यार्थी का काम हम नहीं करते हैं, हम करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं और वो अध्यापक हैं, वो विद्यार्थी अध्यापक का संबंध ना करके सामाजिक संबंध बना के आपस में किस प्रकार से कार्य करें, मिलकर कार्य करें, और उनके मन से एक शिक्षा का जो डर होता है वो डर निकालने का हम प्रयास करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं। बार बहुत बार हम सामाजिक लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके जो है वक्तव्य रखवाते हैं, और कंपटीशन की भावना ना रखते हुए बच्चे किस प्रकार से पार्टिसिपेट करें, हम कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जोर नहीं देते, हम कॉमनली 10-12-15 लोग किस प्रकार से मिलकर काम करते हैं बच्चे, और उनको हम एनकरेज करते हैं, एनकरेज करने का काम करते हैं। बिल्कुल जी, दो देखे तो आपने बताया भी साइंस में थोड़ा बच्चा मतलब हेजिटेशन मानना है लेने में, उसमें तो आप इसके बारे में क्या बताना भाई, साइंस ज़्यादा गड़ा सब्जेक्ट है, उसको कैसे कंट्रोल करें? वास्तव में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल नहीं होता है, वो इंटरेस्ट की बात होती है बच्चे का, तो हमारा काम पढ़ाना नहीं है, हम ये कहते हैं कि विज्ञान पढ़ाने का विषय नहीं है, मेरा ये मानना है कि विज्ञान सीखने का विषय है, तो किस प्रकार से हम करके सीखें, खुद एक्टिविटीज़ करके सीखें। जैसे हमारी मैंने एक एक्टिविटी किट बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत का मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, और टीचर्स के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं हम मिलकर, पूरे पानीपत जिले के टीचर्स के साथ हम एक्टिविटीज़ करते हैं, विज्ञान अध्यापकों के साथ भी, लेक्चरर्स के साथ भी, और उस प्रकार की हमने वीडियोज़ अपनी बना रखी हैं और किट भी है हमारे पास, और उस किट से किस प्रकार बच्चे सीख सकते हैं ऐसा भी हम काम करते हैं सारे का सारा। तो
विज्ञान जो है वो वास्तव में डराने की चीज़ है ही नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है, हमारे जो है घरों से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारी रसोई की चीज़ है, हमारे वातावरण की चीज़ है, पेड़ है, ऑक्सीजन देते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन देते हैं, वर्ष चलाने में किस प्रकार सहायक हैं, किस प्रकार की हमने कई एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई है कि पेड़ के ऊपर हम अगर हम किसी भी पत्तों को पन्नी से ढक देंगे, पॉलीथीन से ढक देंगे, ढकने के बाद अगर हम उसके एक दिन बाद देखेंगे तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब पेड़ जो वाष्पीकरण करते हैं वो पानी को जो है ना ऊपर जाता है, सारे का सारा पानी वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के बाद वो पानी जो है बारिश लाने में सहायता करता है। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी हर टॉपिक के साथ एक्टिविटीज़ हैं और विज्ञान को हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं और मिल के सीखते भी हैं। हमारी इच्छा है विज्ञान सीखने की भी और सिखाने की भी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं। और ये हमारे साथ नाम जसवीर जी, तो इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था इकोनॉमिक्स में, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए जी, कब और किस टाइम की बात। देखिए मैंने एम ए जो है इकोनॉमिक्स में किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में। उससे पहले ग्रेजुएशन की SD कॉलेज पानीपत से। इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा +2 +1 क्लास से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालखा में। जब हमने +1 और +2 की तो वहाँ इतने अच्छे टीचर थे, राजेश जी, श्री राम निवास जी, उनसे प्रेरित होकर हमारे मन में आया कि भाई क्यों ना इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ा जाए और हम भी इनकी तरह टीचर। तो उसके बाद फिर मैंने जो है BA की SD कॉलेज पानीपत से, और फिर MA करने के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गया MA इकोनॉमिक्स। वहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड एडमिशन होता है। वहाँ जो जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जो अचीवमेंट रहा कि वो था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैंने टॉप की अपने बैच में 2011 में, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके साथ ही UGC नेट होता है प्रोफेसरशिप के लिए, वो पास किया 2011 में। फिर 2012 में भी UGC नेट पास किया JRF के लिए। फिर मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से BEd किया कि भाई सीखा जाए कैसे टीचर बनना है, किस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी होती हैं, एक अच्छा और उपयोगी अध्यापक कैसे बना जाए, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैंपस से ही मैंने BEd की। उसके तुरंत बाद मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज में ही एक साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली एक साल पढ़ाया। दिल्ली के जो स्कूल हैं DSSB के +1 +2 के बच्चों को इकोनॉमिक्स। फिर मैंने यहाँ हमारे पानीपत में LNT कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसमें BEd MEd की क्लासेज को पढ़ाया। इस दौरान ही मैंने MA एजुकेशन किया था प्राइवेट मेरठ यूनिवर्सिटी से, और जिस कॉलेज से मैंने MA एजुकेशन की वो कॉलेज भी मैंने टॉप किया एजुकेशन में। उसके बाद फिर मैंने 2 साल गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में भी PGT इकोनॉमिक्स के पोस्ट पर पढ़ाया, और अभी पिछले साल लास्ट ईयर December 2018 में मैं जो है सरकारी सेवाओं में आया और PGT इकोनॉमिक्स की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ, और अब मैं नामुंडा स्कूल में ही PGT इकोनॉमिक्स की पोस्ट पर कुलदीप जी के साथ काम करता हूँ। बिल्कुल जी, देखिए कितना बड़ा और है आपके जीवन का, तो कामयाब भी रहे, तो मेहनत कितनी करी जी आपने भाई, लोग जो इस पोस्ट तक जा रहे हैं तो ये टीचर बनने में ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है, देखो कोई भी काम करे तो मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं। मेहनत तो हर लाइन में करनी पड़ती है, और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है दिशा की और हमारे उद्देश्य की कि हमने करना क्या है। जब हम करने की ठान लेते हैं तो वो उस मुकाम पर पहुँच ही जाते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई स्टूडेंट लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो क्यों ना स्टूडेंट के साथ ही, विद्यार्थियों के साथ ही जीवन यापन किया जाए, तो उसमें सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचर का ही है, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। और कैसे टीचर बना जाए उसके पूरे ट्रैक को समझा, सीखा अपने गुरुजनों से, कुलदीप जी से और परिवारजनों से और अपने अध्यापकों से, फिर उस ट्रैक पर जा करके फिर भाई शिक्षक बनने तक पहुँच कोशिश की। बिल्कुल जी, तो सर आप बताइए कि +2 के बाद भाई थोड़ा जिक्र कर लें, क्योंकि अभी रिजल्ट आएंगे और कुछ बच्चे जो है कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो उन्होंने क्या रास्ता पकड़ना चाहिए जी। एक तो कहाँ भाई, गवर्नमेंट जॉब लेनी हो तो कोचिंग पे जाओ, अगर जो ग्रेजुएशन करनी है तो कॉलेज में जाओ, तो ये सबसे अच्छा रास्ता कौन सा लगेगा जी। इसके लिए कोई
जो है ना, एक व्यक्ति कोई रास्ता नहीं सुझा सकता, इसके लिए बच्चे की अभिव्यक्ति ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, और उसको अगर ये पता है उसको क्या करना है, अगर वो उसी को अच्छी तरह करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा जीवन में। अगर वो किसी को देख के चलेगा, भेड़ चाल हमेशा चलते है, हमारा जो शिक्षा, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो भेड़ चाल सिखाती है अलग ही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है यूनिक होता है अपने आप में। अगर वो पहचान ले, जैसे आप है, अगर आपको ये कहा जाए कि आप साइंटिस्ट क्यों नहीं बने हो, आप तो मतलब पत्रकार हो, तो पत्रकारिता में हर चीज़ में जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी चीज़ को देख के चलना है। आप एक गुलाब का पेड़ है, घास है, तो गुलाब गुलाब ही रहता है, घास घास रहता है, लेकिन घास भी अच्छी लगती है अपनी जगह पर, गुलाब भी अपनी जगह पर अच्छा लगता है। घास को गुलाब नहीं बनना चाहिए कभी भी, ना गुलाब घास बन सकती कभी भी। तो ये चीज़ें हैं कि एक दूसरे को देख के ना चलें, अपनी अंदर ये पहचाने बच्चे, अपने टीचर्स से बात करें, अपने समाज में बात करें कि मैं क्या कर सकता हूं, और अपने आप को निखारने की कोशिश करें, बस इतना ही बहुत है। कोई किसी को देख कर कभी भी नहीं बनाया जा सकता। आज तक ना कोई भगत सिंह दूसरा पैदा होया, आज तक ना कोई जो लाल बहादुर शास्त्री दूसरा पैदा होया, ना आज तक कोई जवाहरलाल नेहरू दूसरा पैदा होया, ना नरेंद्र मोदी दूसरा पैदा होया, ना होगा कभी भी फ्यूचर में। तो हर आदमी की अपनी अभिव्यक्ति होती है और वो उसके अनुसार काम करेगा तो बहुत ऊँचे पहुँच सकता है। बिल्कुल जी। तो मैंने एक समाज में थोड़ी एक बात देखी जी, बताओ जी क्या है कि जैसे गुरु जी ने बताया, कुलदीप जी ने, इंडिविजुअल इंडिफरेंसीज होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आपका प्रश्न ये है कि जैसे अभी एग्जाम हुए प्लस टू के, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हम एज ए टीचर बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे तो सर ने बताया कि भाई बच्चे का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, जो वो चाहे वो करना चाहिए, लेकिन हमारा अपना मानना, हमारी टीम का ये मानना है कि प्लस टू के तुरंत बाद कोचिंग की तरफ जाने की बजाय ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, चाहे वो किसी भी जो है स्ट्रीम का रहा हो, साइंस का, कॉमर्स का या फिर आर्ट का, वो इतना बेहतरीन सेटअप है हमारे यहाँ पर, इतना बेहतरीन विषय हम पढ़ते हैं, खासकर आर्ट्स में भी, हिंदी और इंग्लिश में इतना लिटरेचर पढ़ते हैं जिसका हमारे आगामी जीवन पर इतना जो है एक तरह से प्रभाव रहता है, सकारात्मक प्रभाव, अगर हम उसको अच्छे ढंग से पढ़े। तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि हम ग्रेजुएशन भी करें, और दूसरा ये कि शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य कभी भी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। नौकरी करनी बड़ी ज़रूरी है, रोज़गार बहुत ज़रूरी है, रोज़गार में सहायक है एजुकेशन, लेकिन केवल एजुकेशन के बाद हम रोज़गार करेंगे ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। जो है शिक्षा ऐसी हो जो हमारे व्यवहार को बदलती हो, जो हमारे चरित्र का निर्माण करती हो, जो हमारे अंदर नेतृत्व की भावना का विकास करती हो, हमारे अंदर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समझ पैदा करती हो, और हमारे अंदर जो मानवीय जो मूल्य है, जो मानवीय जो संस्कृति है, उन मूल्य को कैसे बढ़ावा दे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। हमें सिर्फ कोचिंग पर, क्लासेज पर, ट्यूशंस पर कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे पर। बच्चा अपने इंटरेस्ट से कुछ ना कुछ करता है, मेन बात यह है कि उसको एजुकेशन ऐसी दें, ऐसा इन्वायरमेंट उसको दें कि वो एक अच्छा नागरिक बन पाए, उसकी समझ विकसित हो समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और उसके दायित्व क्या हैं, वो एजुकेशन ले करके क्या करेगा। अगर उसने नौकरी कर भी ली, जैसे अब हम कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हम नौकरी पे भी हैं, सर्विसेज पे भी हैं, तो इसके साथ साथ हमारे क्या दायित्व हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो हम दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। आजकल आप देखते होंगे कि सब जो है ना पैसे की तरफ भाग रहे हैं, भाग दौड़ है, बड़ी भाग दौड़ है, लेकिन इस महामारी ने देखो भाग दौड़ को भी रोक दिया। लेकिन हमारी सोच जो है ज़्यादातर लोगों की, 99% लोग सोचते ही नहीं पर्यावरण कहाँ काम कर रहा है, हमें कितने पेड़ लगाने चाहिए, उनका क्या महत्व है। हर घर में आजकल कोई अनपढ़ नहीं बचा, परिवार अनपढ़ नहीं है, कोई व्यक्ति अनपढ़ हो सकता है, फिर भी देखो आप खेतों में लोग आग लगा रहे हैं, नालियों में इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं, सारा दिन इतना जो है ना वाटर वेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारी समझ है। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन ऐसी हो जिसे समझ विकसित होती हो, और फिर उससे कुशलता आती हो, कौशल निर्माण हो, हमारा ज्ञान प्राप्त करें हम, फिर उससे बोध होगा, बोध से एक तरह से कौशल होगा, और कौशल का जब प्रयोग करेंगे तो उससे जो है ना रोजगार तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। बिल्कुल जी, रोजगार तो फिर अपने हाथ में, रोजगार तो जी। एक बात और देखी जावे तो जैसे हमारे घर के असमर्थ है मेरे फीस देने में, आगे प्लस टू के बाद पढ़ाने में, तो मेरे को बोल दे कि भाई नौकरी कर दूँ, तो फिर क्या करें फिर। देखिए ऐसी जो कठिनाइयाँ बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में आती है कि भाई आर्थिक समस्या, आपका प्रश्न ये है, अगर किसी विद्यार्थी ने प्लस टू कर भी लिया उसके बाद भी वो बहुत सारे मोड ऐसे हैं, बहुत सारे एक तरह से
ट्रैक ऐसे हैं जिससे वो अपनी एजुकेशन जारी रख सकता है। अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है, तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं हमारे महापुरुषों के, जैसे भाई डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने अखबार बांटे, मछलियाँ पकड़ी, और भी बहुत सारे जो है ना ओडीवन वर्क किए, तब जाके अपनी एजुकेशन को आगे रखा। तो उसमें मेन तो उसका फोकस होना चाहिए कि भाई मैं अपनी एजुकेशन को आगे रखूँगा पहले, तो फिर उसके वो सारे सोर्स ढूंढ भी लेगा। प्लस टू के बाद वो थोड़ा छोटा मोटा कोई काम कर सकता है, एक घंटा दो घंटा कोई रोज़गार के काम कर सकता है, उसके बाद पढ़ सकता है। इसमें सरकार भी बड़ी मदद करती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कॉलेज में जा गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए आप पढ़, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, जो है वो उसके भी फंड मिल जाते हैं। अगर वो रेगुलर भी नहीं पढ़ पाता तो कोरस्पोंडेंस से पढ़ने की भी सुविधाएँ हमारे यहाँ हैं, प्राइवेट एजुकेशन भी है, कोरस्पोंडेंस एजुकेशन भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी है हमारे यहाँ, इसमें दिल्ली में जो एक यूनिवर्सिटी है पूरे जो है एशिया की सबसे बड़ी एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम मान ले तो हार और ठान ले तो जीत। बिल्कुल। तो जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी था थोड़ा पहले, क्योंकि मैं कई बच्चों से मिला हूँ अभी, भाई पूछता हूँ कि भाई रिजल्ट के बाद आप क्या करोगे, तो मेरे को बोल रहा है कि भाई मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ, मतलब आर्ट विद मैथ लेना चाहता हूँ, तो करके मेरे को बोल रहा है कि भाई तू साइंस वो उसकी मेडिकल ले, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहिए भाई, जो करके उन दबाव दे रहे हैं भाई मैं जाना चाहूँ इस तरफ लेकिन करके भेज रहे हैं उस तरफ, तो उनके आगे क्या फ़र्क पड़ेगा उनके जीवन में? ऐसा है कि मान लिया कि कोई बच्चा साइंस पढ़ने के काबिल है, तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को पहचानना ही पड़ेगा। अगर वो साइंस पढ़ने के काबिल अपने आप को नहीं मान रहा है और घर वाले उसको ज़बरदस्ती प्रेशर से मेडिकल या नॉन मेडिकल चौथे के डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, ऐसा एक तो माँ बाप को भी नहीं करना चाहिए, हम तो ये संदेश देते हैं। दूसरा हम समझाते भी हैं बच्चों को, हम बच्चों को के साथ एक मीटिंग रखते हैं भाई आपको अब क्या क्या करना है लाइफ में, वो हमसे आके मिले, अपने गुरुजनों से आके मिले और अपने घर वालों को भी समझाने का प्रयास करे, वो मतलब क्या है कि वो दिशा ना भटके, अपने घर वालों को समझाने का प्रयास करे, मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो घर वाले भी लास्ट में मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं अगर वो प्रयास करेगा तो, और प्रयास करके पढ़ेगा तो पढ़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई सब्जेक्ट अगर वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा तो घर वाले भी चाहते हैं, थोड़ी बहुत सी ऐसी बात नहीं है कि घर वाले कोई गलत नहीं होते हैं, कभी भी घर वाले भी कभी गलत नहीं होते, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है बिल्कुल अपने आप को ऐसा मतलब ऐसा एज महसूस कर रहा है कि वो मैं विज्ञान नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं आर्ट विद मैथ पढ़ूंगा, तो उसको आर्ट विद मैथ ही पढ़ना चाहिए, उसको विज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, उसको विज्ञान में जब रुचि नहीं है उसकी, ठीक है, तो दूसरा या फिर वो रुचि बनाने का प्रयास करें। अब जैसे मेरे साथ भी ये घटना थी कि मैं जो है ना मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर मैंने अध्यापन को चुना, बीएससी में ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था थोड़ा हल्का फुल्का सा, तो उसके बाद फिर मैं प्रभावित हुआ हमारे अनुपम अरोड़ा जो फिजिक्स के प्रोफेसर अभी प्रिंसिपल हैं एसडी कॉलेज के, उन मैंने पूरे हरियाणा में जैसे एजुकेशन के मामले में उनसे बड़ा शिक्षाविद कोई देखा ही नहीं, वो एक मिनट में भैंस को भी साइंस पढ़ा देते हैं, हाँ इस तरह के हैं उनकी पर्सनैलिटी है, और वो उन कभी सिलेबस नहीं पूरा करवाया उन्होंने अपना, और वो पाँच पाँच घंटे की लगातार एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई संडे वाले दिन सब ने बैठ के पढ़ी, तो हमने प्रेरणा ली है। तो जीवन में अगर हम बारहवीं के बाद एक बच्चा है और वो ये ठान लेंगे मैंने तो करना ही करना नहीं, लेकिन वो उतर के देखे तालाब और गहराई का जब पता चलता है तो जरूर नहीं छलांग लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता गहराई का पता करे और गहराई में तब उतरे जब उसको तैरना आता है, नहीं तो कम गहराई में भी काम चलाए अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई तैराक बनना है, सब कोई जो है खिलाड़ी बनना है, या सब कोई इस दुनिया में साइंटिस्ट बनना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है अगर वो स्वयं को निखार ले। बिल्कुल जी। तो हमें ये बहुत ही मतलब मेरी रुचि थी कि भाई इस सवाल का जवाब मिलूँ, तो मिल भी गया और मेरे याद भी आ गया इस टाइम पर। तो जी एक थोड़ा लास्ट में एक सवाल हो रहा है, क्योंकि अब एडमिशन होंगे तो कोई बता रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में पढ़ाई ज़्यादा हूँ मैं, तो इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो एक बात मानूँ जी, क्योंकि जो सरकारी टीचर हुआ ना वे बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर लग गए और उनका एक्सपीरियंस भी बढ़िया हुआ है, और प्राइवेट टीचर में और सरकारी टीचर में आप डिफरेंस क्या मानते? देखो टीचर तो टीचर है, चाहे प्राइवेट भी हो या गवर्नमेंट टीचर भी हो, टीचर तो सम्माननीय है हमेशा ही, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट का टीचर जो है वो बहुत बढ़िया है या प्राइवेट का टीचर बहुत ख़राब है या गवर्नमेंट का टीचर टीचर है, वो एक रोज़गार कर रहा है। लेकिन ये समझ हमें विकसित करनी चाहिए कि जो प्राइवेट एजुकेशन है वो समाज को भटकाने का कार्य कर रही है, जबकि जो गवर्नमेंट एजुकेशन है, गवर्नमेंट का हालांकि प्राइवेटाइजेशन की ओर भी ध्यान है सारे का सारा, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें अध्यापक तो 100% जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, माहौल शिक्षा का है, ड्रामेबाजी कम है, आप
जाके चेक कर सकते हैं पूरा स्कूल, पूरा जो है आप प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, आप अध्यापक से मिल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में आपको घुसना अलाउड नहीं है, कोई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता, उसकी क्लास चेक नहीं कर सकता, प्रिंसिपल से नहीं मिल सकता, इवन कि उसके सब्जेक्ट टीचर से नहीं मिल सकता, या शिक्षा के ऊपर बात नहीं कर सकता। उसके लिए उसको टाइम लेना पड़ेगा, उसको आधा घंटे का टाइम मिलेगा, महीने में एक बार मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया है, और जब तक समाज वहाँ पे विश्वास नहीं दिखाएगा तो वो निखरेगा नहीं। तो मेरी ये अपील है समाज में लोगों से कि वो गवर्नमेंट सेक्टर पर विश्वास दिखाए, स्कूलों से तालमेल रखे, उनकी हेल्प करे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उनके को मतलब अच्छी एक दिशा दे, अध्यापकों के साथ मिलकर काम करे, उनसे बातचीत करे, उनके साथ उनके फ्रेंड्स बन जाएँ। अगर सामाजिक कार्यकर्ता एक अध्यापक का मित्र है तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन अवरोध पैदा करने का काम जो किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो राजनीति गवर्नमेंट स्कूल में कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल आज किसी से कम नहीं है, पीछे जो टॉप किया था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने किया था, IIT का जो टॉपर था वो भी गवर्नमेंट स्कूल का ही बच्चा था। तो ऐसी बात नहीं है, जो है गवर्नमेंट स्कूल में करीम है, और जो अच्छी शिक्षा का काम है, फ्री शिक्षा का काम है, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट स्कूल में काम होता है। आप ये देखेंगे कि एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पहली से 12वीं तक अगर आप पढ़ाओगे किसी बच्चे को तो आपका 10 लाख रुपया खर्च हो जाता है, अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में आपके तो वो 10 लाख रुपये बच जाते हैं, तो आप अपने 10 लाख रुपये अपने बच्चे की फ्यूचर पर लगाओ और उनको ध्यान रखकर, पेरेंट्स को भी ध्यान देना है, पेरेंट्स टीचर और स्टूडेंट, अगर तीन नौकरी मिलकर काम करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल से बढ़िया नहीं है कोई भी। क्योंकि अगर हम 12वीं पास कर लेते हैं फिर भी हम अपने गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ही तो चाहते हैं एडमिशन, और सरकारी अभी जो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है ना, अभी हम जाते हैं जैसे वो प्रोग्राम होता है, जसवीर जी कौन सा होता है वो उसका होता है हरियाणा दिवस पर होता है, हरियाणा दिवस पर प्रोग्राम होता है, उसमें एक हास्य कलाकार आता है, तो वो हास्य कलाकार जो कहता है वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुआ है रत्नावली प्रोग्राम में, वो कहता है कि सब ने शिक्षा कैसी चाहिए प्राइवेट, अस्पताल कैसे चाहिए प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट चाहिए और बनड़ा चाहिए सरकारी, बनड़ा सरकारी कहाँ से आएगा। तो जब तक हम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा नहीं देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ से आएंगी। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी जब ही क्रिएट होंगी, जब हम गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में या गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अपना विश्वास जताएंगे, और हम गवर्नमेंट से ही पढ़े हैं बाहर आए हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल जी, देखिए मैं भी इस पर, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, वैसे तो लगभग जो है ना कुलदीप जी ने इसको स्पष्ट भी कर दिया। आपका क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो दुनिया जो भाग रही है उसमें थोड़ा सा वो एक तरह अलग अलग ट्रैक है। मेरा इसमें मानना ये है कि भाई जैसे आपने पूछा एजुकेशन हो सकता है दोनों जगह अच्छी है ही है, दोनों जगह अच्छी है, टीचर दोनों जगह एक जैसे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले ही फिर बाद में जो है ना अनुभव लेके टेस्ट पास करके वही सरकारी में पहुँच रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस जो है जो क्यों जा रही है दुनिया प्राइवेट की तरफ, इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज इश्यू है, आपसे पूछे कि जी आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है तो जवाब आना चाहिए कि हाँ भाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ये कह दिया कि सरकारी में पढ़ रहा है तो वहाँ पर प्रतिष्ठा सूचक क्वेश्चन मार्क लग गया। हम इस चीज़ों से भी घबराते हैं, इसलिए भाई अपने जो है ना हमारी जो आर्थिक जो हालात हैं उनसे भी बढ़कर हम खर्च कर रहे हैं, एक 200-300 रुपये हर रोज़ कमाने वाला आदमी भी 500 रुपये हर रोज़ खर्च करने की कोशिश कर रहा है अपने बच्चे पर, और वो ये भी सोचता है कहीं ना कहीं कि हो सकता है। दूसरा जो अंतर है वो भाषा का है ज़्यादातर मेरी समझ में, कि प्राइवेट जो स्कूल हैं देखिए उनमें इंग्लिश मीडियम है टोटली, सब कुछ बच्चा जो है ना इंग्लिश में सीखने की कोशिश करता है और अपनी एनर्जी का गलत वो जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी तो डाइवर्ट हो गई। दूसरा आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में रंग बिरंगा माहौल है, रंग बिरंगी बस, रंग बिरंगे बैग, रंग बिरंगी बुक्स, रंग बिरंगे टीचर्स, रंग बिरंगा स्कूल, रंग बिरंगा एक कमरा, तो वो रंग बिरंगा माहौल है बस। मान लीजिए कलर टीवी है और भाई हमारे सरकारी स्कूल ब्लैक एंड वाइट टीवी है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक तरह से सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने वाली, बिल्कुल जी, ठीक है। वहाँ टीचर भी बिल्कुल प्योर हैं, ऐसी बात नहीं, टीचर वहाँ पर भी प्योर हैं, NCERT से पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम में है, अब बहुत सारे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम भी शुरू हो गया। जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो सरकारी स्कूलों पर विश्वास करने की बजाय उन पर जो है ना एक तरह से आरोप प्रत्यारोप और एक तरह से लैग पुलिंग करना टीचर्स के साथ इस तरह के काम करती है,
जिस भी गांव में कोई ऐसा ग्रुप है एजुकेशन का जो सरकारी स्कूल से मिलकर के काम कर रहा है, बहुत सारे आपको उदाहरण ऐसे मिलेंगे, उन गांव के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर और कहीं अच्छे हैं। उसका काम क्या हुआ, जैसे कुलदीप जी बता रहे थे कि सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व हो एजुकेशन के साथ, कि गांव के लोग एज ए वॉलंटियर जो स्कूल में जाके काम करे, टीचर के साथ मिलके स्कूल की प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ। और दूसरा एक और बात है कि सरकारी स्कूल में जब सबके बच्चे जाएंगे ना जी, सबके का मतलब है सभी वर्ग से, सभी जाति से, सभी आर्थिक आधार से, कॉमनली जब बच्चे जाएंगे तो अच्छा माहौल और भी अच्छा हो जाएगा, भी अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जी, तो ये फ़र्क है मेरे हिसाब से। हाँ जी, तो लास्ट में थोड़ा एक बात बताइए आप कि भाई अब लॉकडाउन के चलते बच्चे अपनी स्टडी पर क्या फ़र्क गिर रहे हैं, भाई स्कूल नहीं जा रहे, भाई कई जने बोल रहे हैं भाई व्हाट्सएप के माध्यम से उनको वर्क भेजा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, भाई अब की साल मेरे ख्याल में स्टडी का इन्हीं लिख जाएगा, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में, भाई कुछ तो पहले होशियार दे बच्चे, क्या फ़र्क पड़ेगा जी? देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान की चीज़ों को देखते हुए, प्रासंगिकताओं को देखते हुए बहुत अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखिए कि अब की स्थिति क्या है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जीना है, जब हम जी पाएंगे तभी आगे कोई काम कर पाएंगे, है ना जी, जीना ज़रूरी है, वो किसी भी तरीके से आप जी लीजिए, एजुकेशन उसके बाद की चीज़ है। अब दूसरा रहा लॉकडाउन से लंबा, अगर रहा स्कूले बंद रहे, टीचर और जो है बच्चों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा औपचारिक रूप से, स्कूल नहीं लग पा रहे, कॉलेज नहीं लग पा रहे, इसके नुकसान तो हैं, ऐसी बात नहीं है, नुकसान है इसके बड़े, लेकिन इस महामारी से, इस एपिडेमिक से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा हमें आगामी जीवन में, क्या करें क्या ना करें, इसका बच्चों की एजुकेशन पे बड़ा इफेक्ट रहेगा। ये व्हाट्सएप के ग्रुप से, ऑनलाइन टीचिंग से या ऑनलाइन लर्निंग से ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, इसकी भरपाई तो तभी हो पाएगी जब स्कूल खुलेंगे, टीचर और बच्चे का जो है ना एक तरह से आमने सामने होंगे, वो रूबरू होंगे, परस्पर मिलन होगा, तब वो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन कि भाई कम से कम कुछ तो करें, अब जब बच्चे बिल्कुल खाली घर बैठे हैं तो टीचर व्हाट्सएप ग्रुप से या वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल से या दूसरी जूम जैसी ऐप से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ज्ञान की बात तो हो रही है, बोध की और दूसरी चीज़ें समाजीकरण की जो सीखने की हैं, जो एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, आजकल तो खेल खेल में शिक्षा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो वो एक्टिविटी नहीं हो पा रही, जिनका खामियां मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो एक बोरिंग टाइप है, थोड़े दिन तो उनको मन लगेगा फिर वो बोर हो जाएंगे उन सब चीज़ों से, जो स्कूलों में एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी, खेल हैं या लीडरशिप के लिए कोई काम है या लाइब्रेरी का प्रयोग है, लैब जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में, वो उस तरह की चीज़ें वो नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल जी, ये तो हेल्पिंग हैंड है भाई, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उसको कर सकते हो, बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं, टीचर उनको मोटिवेट भी करते हैं, बार बार फ़ोन भी करते हैं उनको जो है ना व्हाट्सअप, जिनके घर स्मार्टफोन है या टीवी, सरकार भी कोशिश कर रही है टीवी के माध्यम से, लेकिन वो उतना हो नहीं पा रहा जितनी कोशिश जारी है, तो बच्चों को जो है ऑनलाइन तरीके से कुछ ना कुछ बताया तो जा रहा है कि वो उसमें लगे रहें, सीखते रहें, राइटिंग का काम कर ले, तब तक कुछ पढ़ लें, या और दूसरी जो बच्चे, मेरा ये संदेश भी है एक तरह से कि जब वो अपनी जो उनको चीज़ें कम समझ आ रही है तो उनको भी पढ़ते रहें साथ साथ, दूसरी जो चीज़ें हमारी होती हैं लिटरेचर है, बड़ी कहानी की किताबें हैं या कविताएँ हैं या और भी गद्य पद्य उपन्यास इस तरह से, वो उनको भी पढ़ सकते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है, जो छूट जाता है औपचारिक शिक्षा को देने के में, वो छूट जाती हैं वो चीज़ें, हमारा साहित्य तो उस पर भी इन दिनों में बच्चे घर पर बैठ के आराम से रीडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो लंबी भी जरूर होगी वीडियो, लेकिन एक बात और मेन पॉइंट रह गया है, क्योंकि इस ज़िंदगी में भाई इस टाइम में आप देखा जाए तो बच्चे बहुत सारे भाई अपने जो टिकटॉक है या और कुछ सोशल मीडिया है तो उस पर लटके रहे हैं जी हरियाणा, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, भाई ये ज़रूरी क्वेश्चन है और जो अपने माँ बाप इसमें पहले मैं वीडियो में टेक दूँ। देखिए इस पर जो है ना सबके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, भाई तकनीकी है, आप साइंस में पढ़ते हैं कि वो भाई साइंस वरदान भी है, अभिशाप भी है, हर चीज़ों के जो है ना फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, यूज करने का फर्क, यूज किस तरह से करें, हम मेन बात ये है कि पॉजिटिवली यूज कैसे हो। अब बच्चे हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव तो सोचते नहीं, अब एक क्या है कि इस अब खासकर इस एपिडेमिक महामारी में अब मनोरंजन के कोई साधन तो है नहीं, अब ना तो कहीं गेम हो रहे, ना बच्चे घर से बाहर जा पाते, ना किसी के साथ खेल पाते, ना स्कूल जा रहे, ना उनके फ्रेंड सर्कल है, ना पीयर ग्रुप है, ना टीचर है, ना कहीं इधर उधर खेलने जाने देते घर वालों को, तो वो उस टाइम क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे या फिर फ़ोन में, फ़ोन में क्या है
फोन में बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ही देखते मेनली तो, लेकिन वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है इंटरेस्ट चेंज होता है उनकी, उनको कुछ गाइडलाइन दी जाती है भाई ऐसी ये चीज़ें देखो ये मत देखो, फिर वो अपने सिलेबस की चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो इसका नेगेटिव असर तो ये है कि जब हम बार बार स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं उसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा असर तो हमारी आंखों पर है। दूसरा जो क्रिएटिविटी होती है ना बच्चे की, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है, सोचने का जो दायरा है वो एक ही दिशा में जा रहा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई केवल इस सोशल मीडिया का, टिकटॉक का या इन सब चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है, ये लर्निंग भी है, इससे बच्चे सीखते भी हैं, भाषा का निर्माण भी हो रहा है। देखो बच्चे जब ये होगी जैसे या नाइकी पे या जब ये कार्टून देखते हैं तो उससे बहुत सारे शब्द सीखते हैं, ऐसे सारे शब्द जो 9वीं 10वीं में जाके पता लगते हैं वो बच्चे पहली दूसरी के बच्चे ही उस पर सीख रहे हैं, भाषा का निर्माण भी हो रहा है, सोचने की कहीं ना कहीं कुछ क्षमता बढ़ भी रही है, कुछ जो ग्राउंड एक्टिविटी है खेलने की या एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी है वो घट रही है, और मेंटल चीज़ें उनकी लग भी रही है, ऐसी चीज़ें नहीं है। इसका कुछ फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान ज़्यादा भी है इस तरह से। तो जी आप लास्ट में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो स्टूडेंट अपने? देखो स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने स्टूडेंटशिप को बरकरार रखें, हम भी बरकरार रखे हुए हैं आज तक, कभी भी बड़ा होने का प्रयास ना करें, स्टूडेंट्स बने रहें क्योंकि इसमें मज़े हैं, जीवन में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़े हैं, तो मज़े से पढ़ें, मज़े के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, किसी के लिए ना पढ़ें, केवल अपने लिए पढ़ें और अपने पे ही काम करें तो बाहर का विस्तार अपने आप होता चला जाएगा। तो मेरा ये संदेश है सभी के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, कि वो एक, क्योंकि वो जो एक आज का स्टूडेंट है वो उसने कल निर्माण करना है पूरे भारत का, तो हमारे देश का निर्माण करना है, दुनिया का निर्माण करना है, तो वो अपने स्टूडेंट लाइफ को इंजॉय करे और बर्डन ना रखे किसी भी तरह का, और एक दिशा के साथ, अपने हालातों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा वातावरण बनाए और उसके साथ ही मेहनत करें। बिल्कुल जी। तो वही बात है, वीडियो ज़्यादा लंबी भी होगी तो एक क्वेश्चन हो रहा है जी मेरा छोटा कि भाई बच्चे मान ले कहीं जने पूछे मैंने तुम्हें मैं तो 18 घंटे पढ़ूँ या 15 घंटे पढ़ूँ भाई, पढ़ने के सिवा और कुछ नहीं करता, तो इसके बारे में उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे भाई, खेलना भी ज़रूरी है या नहीं? देखो हर आदमी, हर बच्चे का अपना अपना ना अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब एक जो मोटर है ना, एक कोई भी मोटर है, मान लिया एक तो सडे मतलब ट्यूबवेल की मोटर है, वह मान लिया कि 15 हॉर्सपावर की है, जीरी लाना काम करेगी, लेकिन जीरी तो और कभी वही आवाज कर, ठीक है ना। तो वो अपना अपना मेथडोलॉजी है कि कम पानी का भी प्रयोग हो फसल में और लाइट भी कम खाई जावे, स्प्रिंकल का प्रयोग हो सकता है, छिड़काव तंत्र का प्रयोग हो सकता है, ऐसे ही बच्चा भी है। कोई किसी बच्चे की कैपेसिटी है 15 घंटे पढ़ने की, होगा 15 घंटे पढ़ो, कोई बच्चा ऐसा भी है उसी काम को 5 घंटे में कर लेता है। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि जो 15 घंटे पढ़ता है उसको फॉलो करके रोज 15 घंटे ही पढ़ना है। अपनी कैपेसिटी को पहचानो, जिसको 5 घंटे की ज़रूरत है 5 घंटे पढ़ो, जिन्हें 10 की ज़रूरत है 10 घंटे पढ़ो, जिन्हें 4 की ज़रूरत है 4 घंटे पढ़ो। अपनी कैपेसिटी, अपना इंजन खुद है बच्चा, उसने पता है तेरे इंजन में कितनी ऊर्जा है, वो उसके हिसाब से ही काम करे तो ज़्यादा बेटर है। किसी को देख के काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हाँ मोटिवेशन जरूर ले कि कोई 15 घंटे पढ़ रहा है तो वास्तव में ये देखे कि वो 15 घंटे क्यों पढ़ रहा है और मैं उस काम को कम एफिशिएंसी में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मेरी जो मेथडोलॉजी है पढ़ने की वो लंबी नहीं है, कभी भी मैं कभी भी लंबा नहीं पढ़ता हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, 15 मिनट का रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ता हूँ या आधा घंटा पढ़ता हूँ, उसका 15 मिनट पढ़ता हूँ, तो लेकिन पढ़ता हूँ तो मन से पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का काम है, दिखाने का नहीं है, टाइम काउंटिंग का नहीं है, इंटरेस्ट का काम और मज़े का काम है। जितनी देर मज़ा होगा ना उतने फालतू काम होगा, सीधी सीधी बात। मज़े से पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी, घने बच्चे देखे मैं तो सीधी बात कहा करूँ जी, बैठे रहे किताब लेकर पढ़ते हैं नहीं, सोच मतलब माइंड उड़ गई। मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, जो आपने कहा ना घंटे पढ़ना कितना ना पढ़ना, वैसे तो कुलदीप जी ने बता दिया, मेरा इसमें मानना ये है कि पढ़ने का और कितने घंटे पढ़ने का कोई कोरिलेशन ही नहीं है कोई। ये जैसे कुलदीप जी ने बताया, देखिए सबसे पहले ना पढ़ने से पहले, ये एक तरह से आज टीचर विद्यार्थियों को, हम भी विद्यार्थी हैं, एक जो टीचर है वो आजीवन विद्यार्थी है, वो विद्या ग्रहण करता रहेगा और बताता रहेगा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से। एक संदेश हमारा ये है हमारी टीम की तरफ से कि घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, पढ़ने से पहले ये सोचे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और इसको पढ़कर मैं क्या सीख पाऊँगा,
उसके लर्निंग आउटकम पर बात करनी चाहिए। जैसे भाई आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, तो एक तो बात यह है कि आप किताब लेके बैठ गए और राष्ट्रपति का पेज ही खुला रहा सारा दिन, अगला पेज ही नहीं पढ़ता। लेकिन मेन बात यह है कि ये किताब पढ़ के क्या मैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वो होता क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या उसकी शक्तियाँ हैं, कैसे वो प्रयोग करता है, कितने कितने राष्ट्रपति बने हैं, कैसे कैसे चुनाव हुआ है, उसके बारे में क्या वो पढ़ के जान पाया। अगर वो पढ़ के नहीं जान पाया तो उसका लंबा पढ़ना भी व्यर्थ है या कम है, और पढ़ने की ज़रूरत है। या फिर वो इतनी सी बात अगर एक घंटे में समझ पाया जो उसको पढ़ना था, तो उसका एक घंटा पढ़ना भी उतना ही सकारात्मक है। तो मेन चीज़ ये है कि पढ़ना जो है वो लर्निंग आउटकम क्या है, पढ़ने से हम सीखेंगे क्या, और वो चाहे कितनी भी देर में, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। जैसे कुलदीप जी ने कहा कि मैं तो एक घंटा पढ़ता हूँ, तो कोई तो एक घंटा भी नहीं पढ़ता। अच्छा, पढ़ के याद करने की जो क्षमता है किसी की, जो स्मरण शक्ति है, वो भी अलग अलग है। कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एक बार पढ़ के ही उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसी चीज़ को बार बार पढ़ के याद रख पाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। भूलने की जो वो है एक तरह से वो एक विधा है, ये कह सकते हैं कि एक भाई ये तो संवेग है भूलना, एक जो है नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। कोई जल्दी भूलता है, कोई थोड़ी देर में भूलता है। जो थोड़ी ज़्यादा लंबे टाइम में भूलेगा वो कम पढ़ के भी काम चला लेगा, और जो जल्दी भूलता है उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और चीज़ें भी अलग अलग है, कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं हम, और कंटेंट कैसा है, बोरिंग सा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो कम थोड़ी देर ही पढ़ेंगे हम। अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, चलता जा रहा है, सीखते जा रहे हैं, तो लंबे टाइम तक पढ़ लेंगे। दूसरा, उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अब किसी ने एग्जाम देना है, किसी ने सिर्फ पढ़ना है, तो उसके हिसाब से वो लंबा पढ़ेगा। तो मेन जो है पढ़ने का, घंटों की बजाय लर्निंग आउटकम हो कि पढ़ के मैंने क्या सीखा, बस ये है जरूरी। बिल्कुल जी, तो उसकी बार बार दोहराई भी करनी चाहिए जी। बिल्कुल। तो हमें देखिए कि भाई बहुत ही अच्छे विचार लगे, और बहुत ही मुश्किल से टाइम लिया इनका सर जी होगा, तो टाइम भराई जी हम भी जी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं जी। तो मैं वीडियो जिसने लास्ट तक देखी होगी वो जिंदगी में भाई सक्सेस की तरफ जाएगा, और जिन्ह नहीं देखी होगी वो ही देख रही। दूसरी बात भाई इन्हें बताई है सर जी ने, तो साथ साथ एक भाई बच्चा पढ़ाना जी, साथ साथ एक तो जुगाड़ी करा करा, एक फिर बाद में करा करा, तो भाई पढ़ते रहिएगा। मैं गलत वीडियो बनाया नहीं करता, जो वीडियो को कुछ सीख मिला, मोटिवेशन मिला, तो वही वीडियो बनाया करूँ मैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनका लेक्चर या लेक्चर ही बोलते हैं तो कैसा रहा। तो धन्यवाद सभी ने, राम राम, जय हिंद।